यूपीएससी में भर्तियां। केवीएस ने पीजीटी और टीजीटी परीक्षा परिणाम घोषित किया। यूपीएससी की मुफ्त कोचिंग के लिए जामिया ने मांगे आवेदन। यह है इस न्यूज बुलेटिन की प्रमुख खबरें। स्वागत करता हूं आपका विद्या लाइव के न्यूज बुलेटिन पर। विद्या लाइव आपको शिक्षा जगत से अपडेट रखता है, बस आप विद्या लाइव को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं हूं कुमार विजेंद्र। अब खबरें विस्तार से। यूपीएससी में भर्तियां। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर, एडिशनल असिस्टेंट डायरेक्टर, साइंटिस्ट के भर्ती के संबंध में नोटिफिकेशन निकाला है, जो संघ लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर देखा जा सकता है। इन पदों पर रजिस्ट्रेशन 22 अप्रैल 2023 से शुरू हो चुकी है। यह 11 मई 2023 तक चलेगी। इन पदों पर आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लें। केवीएस ने पीजीटी और टीजीटी परीक्षा परिणाम घोषित किया। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने टीजीटी और पीजीटी परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। केवीएस ने टीजीटी और पीजीटी पद के लिए अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्टेड होने वाले अभ्यर्थियों की सूची आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर रिलीज की है। एग्जाम में शामिल होने वाले अभ्यर्थी पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं। इस लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण यानी साक्षात्कार में शामिल होना होगा। यूपीएससी की मुफ्त कोचिंग के लिए जामिया ने मांगे आवेदन। यदि आप यूपीएससी की कोचिंग करना चाहते हैं तो जामिया मिलिया इस्लामिया मुफ्त कोचिंग का मौका दे रहा है। जामिया रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी यानी आरसीए ने मुफ्त कोचिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। इच्छुक उम्मीदवार 25 मई 2023 तक आधिकारिक वेबसाइट jmi.ac.in पर आवेदन कर सकते हैं। मुफ्त कोचिंग के लिए प्रवेश परीक्षा 11 जून 2023 को आयोजित होगी। हालांकि सीट लिखित परीक्षा और इंटरव्यू की मेरिट के आधार पर मिलेगी। पात्रता परीक्षा केंद्रों और अन्य विवरणों के बारे में विस्तृत जानकारी jmi.ac.in पर उपलब्ध है। दोस्तों, यह तो थी आज के न्यूज बुलेटिन की प्रमुख खबरें और विस्तार। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या विद्या लाइव की ऑफिशियल ईमेल आईडी info@vidyalive.com पर लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।